एप्पल का ये लोगो आधा कटा हुआ क्यों होता है और प्लास्टिक की चेयर के ऊपर ये होल क्यों होता है और क्या आपको पता है कि 10 रुपए के सिक्के पर ये गोल्डन परत क्यों होती है। मिलेंगे सभी सवालों के जवाब, बस बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको की आइसक्रीम खाना काफी ज्यादा पसंद होता है और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज हमारा ये वीडियो देखकर आपका आइसक्रीम खाने का एक्सपीरियंस चरम पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूके की एक कंपनी ने जेलीफिश प्रोटीन से एक ऐसी आइसक्रीम बनाई है जिसे अगर आप खाते हैं तो ये आपके माउथ एरिया को कुछ इस तरीके से कुछ देर तक ग्लो कराना शुरू कर देती है। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस आइसक्रीम की सिर्फ एक स्कूप की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 17,000 रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कि अपने पेट डॉग से काफी ज्यादा लगाव होता है, लेकिन क्या हो अगर आपका यही लगाव एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाए। असल में दोस्तों चीन की एक महिला ने अपने डॉग डाउ डाउ से इसी लगाव के चलते उसकी 10वीं बर्थडे पार्टी पर लगभग 11 लाख रुपए खर्च कर डाले। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों समय समय पर इस दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब ट्रेंड आते रहते हैं जिन्हें देखने के बाद हमें झटका तो जरूर लगता है और उन्हीं में से एक ट्रेंड मैक्सिको का स्कॉर्पियन ट्रेंड है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन मैक्सिको में आप किसी भी मरे हुए बिच्छू को नेल पेंट का यूज करते हुए उसे कुछ इस तरीके से अपने नेल्स में चिपका सकते हैं। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि ऐसा करने के लिए आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से 250 रुपए पर बिच्छू के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां पर हमें पैसेंजर से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस स्टेशन का नाम सासाराम है जो कि बिहार में मौजूद है। दरअसल दोस्तों बिहार के सासाराम में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनको कि बहुत से लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं, उन्हें जापान ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है? पर क्यों? असल में दोस्तों यह वाक्य साल 2008 का, जब RDJ अपनी मूवी आयरन मैन को प्रमोट करने के लिए जापान गए थे, लेकिन जैसे ही उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो एयरपोर्ट का ही स्टाफ उनको इंटेरोगेशन के लिए ले गया, जहां पर 8 घंटे उनको इंटेरोगेट करने के बाद उनसे साफ शब्दों में यह कहा गया कि अब आप दोबारा से जापान नहीं आएंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि RDJ का पास्ट काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है, जहां पर उनको कई बार उन्हीं चीजों की वजह से जेल तक जाना पड़ा है और यही वो कारण है जिसकी वजह से RDJ का जापान में आने तक पर बैन लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या फिर एक भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं आया? और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पर की थी और उस एरिया के जितने भी होटल्स थे सभी उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पर रूम बुक ना कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सभी उन्होंने हायर कर लिए थे ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच ना आ पाए। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये डॉलर D से शुरू होता है तो इसका सिंबल S क्यों होता है और D क्यों नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साल 1770 में डॉलर यूनिट स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट अपने ट्रेड में यूज करते थे, तब उसको PSO के नाम से जानते थे और उसका साइन ऐसा था। और जब एक से ज्यादा PSO का यूज किया जाने लगा तो PSO के ऊपर S लिखा जाने लगा और टाइम के अनुसार लेजीनेस के चलते ये साइन ऐसा हो गया जिसमें P हटा के सिर्फ S लिखा जाने लगा। फैक्ट नंबर 3। प्लास्टिक की चेयर के ऊपर ये होल क्यों होता है और यहाँ पर इसका काम क्या है? अगर आपको लगता है कि ये बस उठाने के लिए होता है तो आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इन स्टूल्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, पर अगर ये होल नहीं होंगे तो ये स्टूल्स आपस में चिपक जाएंगे। और इसके अलावा आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन अगर कोई भी ओवरवेट इंसान इस स्टूल पर खड़ा होता है तो वो स्टूल आसानी से नहीं टूटा, तो इसके पीछे भी इसी होल का काम है। फैक्ट नंबर 2। 10 रुपए के सिक्के पर ये गोल्डन परत क्यों होती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन क्योंकि 10 रुपए का कॉइन कॉइन्स के हिसाब से अपने आप में काफी ज्यादा वैल्यू रखता है तो इसकी डिजाइन को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए साल 1990 के आसपास फ्रांस में डाले गए स्टैम्प स्विस कॉइन की डिजाइन से एक्सपायर होकर इसकी डिजाइन को तैयार किया गया था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि इस कॉइन को इस डिजाइन में डालने के लिए RBI को लगभग 5.54 रुपए के आसपास का कर्ज आता है। फैक्ट नंबर 1। एप्पल का ये लोगो आधा कटा हुआ क्यों होता है? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला है, जब रॉब जेनफ ने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी के लिए ये लोगो बना के दिया था तब उनको पहली ही नजर में यह बहुत पसंद आया,
क्योंकि एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट है जो कि थोड़ा काटने के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखता है। और दूसरा है कि जिन्हें कंप्यूटर का फादर माना जाता है, यानी कि एलन टर्निंग, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके टेबल पर एक आधा खाया हुआ एप्पल था जिसमें जहर था, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का लोगो ये रखा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।